चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना गुमसुम सा है गुपचुप सा है मदहोश है खामोश है ऐ समा हाय समा कुछ और है. हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैलेज़ अप ब्लश. और ये वाला मेकअप जो है सुपर दिखने वाला है करवा चौथ पे. तो ये वाला मेकअप लुक जो है मैंने क्रिएट किया है और एज वेल सेम मैं ये ही क्रिएट करने वाली हूँ, तो दैट्स वाई ये वीडियो बन जाती है. लेट्स गेट रेडी विद मी. ऑल्सो गाइज, इस मेकअप लुक को मैंने इतना ईजी बनाया है कि आप पार्लर जैसा मेकअप ना घर पर कर सकते हो अपने ही हाथों से. तो एज वेल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और एक जरूरी बात और, जब भी आप अपना करवा चौथ का मेकअप करोगे ना, तो इस वीडियो को साथ में चला लेना. स्टेप बाय स्टेप वही करना जो मैं कर रही हूँ. और प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट आप वो यूज कर सकते हो जो आपके पास है. जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मेरे पास है वही आपको यूज करना है. तो गाइस, दिस काइंड ऑफ ए वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू. और ऑल्सो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लुक पसंद आया है, तो एज वेल आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो. और गाइस, इस लुक को मैंने सिंपल बनाया है बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंपल मेकअप पसंद करते हैं ऑन करवा चौथ विद अ हैवी ज्वेलरी, हैवी आउटफिट. तो मैं भी ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ. साथ ही में इस मेकअप लुक को मैंने इस कलर की शेड दी है, यानी कि आईलिड पे ऐसी शेड लगाई है जो हर किसी आउटफिट के साथ चलेगी. तो डोंट वरी, तो स्टार्ट करते हैं इस मेकअप लुक को. लेट्स गेट स्टार्टेड. साथ में बहुत सारे कट बिल्कुल भी नहीं होंगे इस वीडियो में गाइस, बिकॉज ये एक लेट्स गेट रेडी विद मी वीडियो है. तो सबसे पहले अपने फेस के ऊपर ना मॉइस्चराइजर लगा लें अच्छे से, ठीक है. उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे आइकॉनिक लंदन का ये स्प्रे. तो ये ग्लो स्प्रे है बेसिकली. अगर आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिए, है ना. और अगर स्किप नहीं करना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, या फिर मेबलिन के इल्यूमिनेटर क्रीम आती है एक, उसको लगा लीजिए. अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन स्टिक. अभी भी ऑयली है ना, तब आप इस तरीके के स्टिक फाउंडेशन को यूज कर सकते हो. बट अगर आपका फेस अभी ऑयली नहीं है, नॉर्मल सी स्किन है, तो आपके पास जो फाउंडेशन जो आप यूज करते हो ना, उसी फाउंडेशन को यूज करना है इस बार. तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी करवा चौथ का मेकअप करो, इस वीडियो को जरूर चला लेना, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे करना जैसे मैं कर रही हूँ, राइट. ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना, बिकॉज ये बहुत जरूरी है ब्लेंड करना. स्किन को इवन बना लेना ताकि इवन लगे. थोड़ा सा नेक पे भी फाउंडेशन को लगा लेना और अच्छे से मर्ज कर लेना, इवन टोन बना लेना अपनी स्किन की. लगना नहीं चाहिए कि आपने फाउंडेशन लगाया है. और फिकर मत कीजिएगा और बहुत ज्यादा यू नो एक्साइटेड मत होइए हर चीज के लिए, कि लाइक क्या पहले ही आप अपने आप को यू नो, मुझे पता है जब भी मेकअप स्टार्ट होता है तो आप सोचते हो कि ये क्या लगा लिया अपने फेस के ऊपर, ये अच्छा नहीं दिख रहा है. आप मेकअप का एंड करेंगे ना जब तक, तब तक आप अपने आप को ब्यूटीफुल ही पाएंगे. मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर. तो कंसीलर आपको आईलिड के नीचे लगाना है, माथे पर लगाना है, नोज के ऊपर लगाना है और चिन एरिया पे लगाना है और फोरहेड पे भी लगाना है गाइज. यही कंसीलर आपको आईलिड के ऊपर भी लगाना है, लेकिन हम वो चीज बाद में करेंगे, है ना. तो मैंने यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड कर लिया अच्छे से. उसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ. अब इसको जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया था, मैं सिर्फ वहीं पर इस कॉम्पैक्ट को सेट करूंगी ताकि कंसीलर जो है अच्छे से बैठ जाए, मर जाए, फाउंडेशन के साथ वो स्टिक हो जाए. इस तरीके से मैंने बहुत ही हल्के हाथों से कॉम्पैक्ट को अपने फेस के ऊपर लगा लिया है. और अच्छे से यू नो, आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो, चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी लगा सकते हो. ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो कॉम्पैक्ट लगता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है. तो मैंने थोड़ा सा पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाया और अब मैं ब्रश की हेल्प से इसे लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ अपने फेस को प्रॉपरली. और ये ऑलमोस्ट सेट हो गया है. और अब मैं यहाँ पर करूंगी यूज निका के का 99, ये जो है पैलेट है, इसमें से मैंने ब्रॉन्जर यूज किया है. हॉलो चिक्स पे मैं हल्का हल्का ब्रॉन्जर लगाऊंगी दोनों साइड पर. अपने नोज को थोड़ा कॉन्टोर करूंगी और उसके बाद अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी. अगर आपको नहीं पता है कि ब्रॉन्जर कैसे यूज करते हो, तो बहुत सारी वीडियो है मेरी इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो. ब्लश अप्लाई करूंगी अपनी चीक्स पर, चिक बोन्स पर मैं ब्लश यहाँ पे अप्लाई करूंगी. अच्छे से उसे ब्लेंड कर दूंगी. ब्लेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा पता है. अगर आप मेरे लाइक हमेशा मेरी वीडियोज को देखते हो ना, तो ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ. साथ में गाइस कुकर की सीटी भी बज रही है, अगर सुनाई दे रही हो तो बहुत ही यम्मी खाना बन रहा है. व्लॉग चैनल नहीं देखते हो ना गाइस, आप मेरा व्लॉग चैनल देखा करो, प्यू स्टाइल व्लॉग. एनीवेज, यहाँ पे मैंने ले लिया है अब ब्रॉ पैलेट.
अब इस ब्रॉ पैलेट का नाम थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एनीवेज यहाँ पे अपनी ब्रॉज को बनाएं, ब्रॉज को ज्यादा कुछ ना फंडा नहीं है, ब्रॉज को बनाने के लिए सिर्फ आपको फिल करनी है। अब जो आपकी थ्रेडिंग बनाती है ना उसको बोलना कि मेरी ब्रॉज बिल्कुल भी खराब नहीं करनी है, अच्छी ब्रॉज बनानी है ताकि आपको ना ब्रॉज को फिल करते हुए में डिफिकल्टी ना हो, है ना। तो अपनी ब्रॉज को थोड़ा थोड़ा फिल कर लें, थोड़ी सी डार्क बना लें, दिखनी चाहिए। बिकॉज हम अगर आपकी ब्रॉज ऑलमोस्ट फुलर है, डार्क है, तब आपको बहुत ही हल्का हल्का ये शेड लगाना है। अगर बहुत ज्यादा लाइट है लाइक मी तो फिर थोड़ा ज्यादा लगाना है। उसके बाद मैंने मेबलिन का कंसीलर यूज किया और उसको अपनी आईलेट के ऊपर लगा लिया। ब्लेंडर की हेल्प से अब मैं उसे अगेन ब्लेंड कर रही हूँ और उसके ऊपर मैंने अगेन जो है कॉम्पैक्ट लगाना है। पर अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ, जो कंसीलर मैंने लगाया उसको डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। डैब डैब करके कंसीलर को ब्लेंड करना है, वो ब्लेंड हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब इसी ब्लेंडर से मैंने कॉम्पैक्ट लिया है और अपनी आईलेट के ऊपर उसे डैब डैब कर रही हूँ ताकि जो कंसीलर लगाया है वो अपनी जगह पे सेट हो जाए और इसके बाद मैं जो भी शेड लगाऊं अपनी आईलेट के ऊपर वो दिखे, वो एनहांस हो, उसका एक्चुअल कलर आए, है ना। तो इस तरीके से मैंने दोनों आईलेट के ऊपर अभी से लगा लिया है, तो कॉम्पैक्ट को भी मैंने सेट कर लिया है। अब मैंने बहुत ही ज्यादा लाइट शेड लिया है और अपनी आईलेट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, यानी कि थ्रेडिंग से थोड़ी सी नीचे, ब्रॉज से थोड़ी सी नीचे मैं लगाऊंगी, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, ऐसे स्वाइप करती जाऊंगी। ऐसे करने से आपकी बन जाएगी क्रीज लाइन, राइट। यहां मैंने यूज किया फॉकलर का या आईशैडो पैलेट, इस वाले टोन को लेके सिर्फ मैं प्लेस करूंगी अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। से मुझे प्लेस करना है, इसे ब्लेंड नहीं करना है। जैसे सी बनाते हैं ना कर्व में, वैसे आपको इस तरीके से अपनी आईलेट के ऊपर बनाना है। फिर उसके बाद आपको ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और फिर ब्लेंड करना है, अच्छे से ब्लेंड करते जाना है ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ आपने एक लाइन बनाई है उसको रख दिया है। उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि उसका इल्यूजन आए और नेचुरल लगे कलर, और अच्छे से ब्लेंड लगे। और आई शेड तब तक नहीं आती है जब तक आप उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे। उसके बाद इसी टोन में मैं डार्क शेड जा रही हूँ और उस शेड को लेकर के मैंने आउटर वी के ऊपर इस तरीके से वी बनाया है। साथ में क्रीज लाइन को भी मैं हल्का हल्का टच कर रही हूँ। अब एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं ब्लेंड करूंगी इन सभी कलर्स को, लेकिन अपनी अपनी जगह पे, एक दूसरे में नहीं मिलाऊंगी, अपनी अपनी जगह पे ही से ब्लेंड करती जाऊंगी। आउटर वी पर ब्लेंड कर रही हूँ, फिर क्रीज, तो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करते जाना है। और फाइनल जो इसका अब ट्रांजिशन शेड भी बन गई है, आउटर वी की शेड भी बन गई है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। तो जो मैंने क्रीज लाइन पे शेड लगाई थी, अब उसको मैं जो ब्लैंक स्पेस था आगे, मैं वहां पे फिल कर दूंगी। अब आप चाहो तो अपने आई लुक को यहीं रहने भी दे सकते हो, और अगर चाहते हो और उसमें कुछ करना तो वीडियो को और आगे देखिए। तो अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी मैं अच्छे से, और ये मैट लुक हो गया आपकी आई का। अगर आप इस तरीके की आई लुक चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, बट मैंने इसके साथ थोड़ा सा प्रेस्ड ग्लिटर लगाया है इसी शेड का, जिस शेड का मैंने अभी अपनी इनर वी पे लगाया था उसी शेड का मैंने कलर लिया है, और इसे मैं लगा रही हूँ अपनी आईलेट के ऊपर। आईलेट के ऊपर मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी, फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से ये पिक हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है, और मैं यहाँ पे बहुत सारे कट नहीं है आज वीडियो में गाइज, तो ये एज इट इज रॉ वीडियो है, मैंने बहुत ज्यादा एडिटिंग भी नहीं की है इस वीडियो में। एंड उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लैकमे का ये आईलाइनर, अच्छे से विंग लाइनर लगा लेना है, मोटा पतला जैसा भी आपको पसंद है वैसा लगा लेना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप एक मीडियम टोन का लाइनर इस पे लगाइए ताकि आपकी आई शेडो, यू नो, जो आपने शेड लगाई आई शेडो जो क्रिएट किया है वो एनहांस हो। फेक लैशेस मैंने लगा ली है, और कैसे लगानी है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है गाइस, उसको देख लीजिएगा। सेम कलर को लिया है मैंने, अपनी वाटर लाइन के बाहर लगाया है, जो वाटर लाइन होती है ना जहां हम काजल लगाते हैं उसको कहते हैं वाटर लाइन, और उसके बाहर लगाने हैं ये वाली शेड। तो आपको जहां काजल लगाते हैं वहां नहीं लगाना है ये, जहां काजल लगाते हैं उसके बाहर, यानी कि वाटर लाइन के बाहर आपको ये शेड लगानी है। एग्जैक्टली ये वो शेड है जिससे मैंने अपनी आई लुक मेन क्रिएट की है, यू नो। तो इट्स काइंड ऑफ समथिंग कॉपरिश लुक। अब मैं यहाँ पे यूज करूँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, विच इज अ मास्टर क्रोम हाइलाइटर। तो इसे लगाना है आपको यहाँ यहाँ जहां जहां मैं लगा रही हूँ, और बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर बहुत ज्यादा पिक कर लोगे कोई भी प्रोडक्ट गाइस, ना ज्यादा कम लेना है ना बहुत ज्यादा लेना है, ठीक ठीक लेना है। आपको देखना है आपका फेस है, आपका फेस अच्छा दिखना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली, बहुत ज्यादा कम भी नहीं लेना है, कम लोगे तो फिर वो दिखेगा ही नहीं ना। तो इस तरीके से मेकअप प्रोडक्ट को पिक करना है और अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलाइटर वाला नहीं है तो अभी जाके ले लो, अभी भी टाइम है। तो ब्रॉज के नीचे मैं इसे अप्लाई करूंगी, बिकॉज इससे क्या होता है जो आपने आई लुक क्रिएट किया ना वो बहुत अच्छे से एनहांस होता है, तो इस तरीके से कर लूंगी। उसके बाद मैंने मैट लिप लगाई है यहाँ पे, ये शेड ना बहुत ही प्यारी है। पहले मैं कंफ्यूज थी कि इसके साथ जाएगा नहीं जाएगा, बट फाइनली ये चला गया, बहुत ही प्रिटी लगा उसके बाद।
तो इसे मैं ब्रश की हेल्प से इसे लगा लूंगी अगर आप बहुत ही ज्यादा ट्रेन हैं डायरेक्ट, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक को लगाइए, बहुत ही नीट एंड क्लीन लगती है और बहुत अच्छी लगती है और आपको पता भी चल जाता है आपको कितना डार्क कलर चाहिए कितना लाइट चाहिए एंड ऑल दैट। तो अच्छे से मैंने ब्रश की हेल्प से इसे लगा लिया है और अगर आपके लिप्स छोटे हैं ना गाइस तो अच्छे से उसको एनहांस करके लगाइए, लिपस्टिक को बहुत अच्छी लगेगी। और एंड में मैं लगाऊंगी यहाँ पे सेटिंग स्प्रे, बहुत जरूरी है अपने मेकअप को सेट करने के लिए, तो थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर स्प्रे करूंगी और इसे पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से डैप डैप करके लगाऊंगी। इससे क्या होगा अगर आपका कोई एक्सेस मेकअप भी होगा ना तो वो भी हट जाएगा और आपका फेस इवन लगेगा और ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइस दिस वन इज द फाइनल लुक विद द बिंदी और झुमकास और एनी ज्वेलरी आप क्रिएट कर सकते हैं दिस मेकअप लुक। मैंने यहाँ पे कोई हैवी वियरिंग नहीं की है बिकॉज मैं इस मेकअप को बहुत ज्यादा सिंपल बनाना चाहती थी फॉर द करवा चौथ। और इसके साथ अगर आप ज्वेलरीज पहन लेते हो ना तो और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत लगने वाले हो, आई एम श्योर दैट गाइस। मैं अपनी करवा चौथ की पिक्चर्स जो है कम्युनिटी पर बिल्कुल शेयर करूंगी तो उसको चेकआउट कर लेना गाइस। तो बहुत ही सिंपल लुक रहता है मेरा करवा चौथ के ऊपर भी, तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन मेक श्योर हिट ऑन द लाइक बटन टू सब्सक्राइब टू बैलेंस एंड ब्लश एंड इसी तरीके से प्यार दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सी प्यारी सी वीडियो में और हाँ कीप इट इन टच बिकॉज दिवाली का ना बहुत ही प्यारा प्रिटी सा लुक आने वाला है तो उसको देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। व्लॉग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।